एक नगर की जनसंख्या 80% जनसंख्या वयस्कों की है, जिनमें पुरुष और महिलाएं 9-7 के अनुपात में है। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या 4.2 लाख है तो गांव में कुल संख्या कितना? देखिए भैया, गांव में दो ही जन होता है, एक पुरुष होता है एक महिला होता है, ठीक ना? तो ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गया, ठीक ना? इसका अनुपात 9-7 का अनुपात दे दिया है, और क्वेश्चन में क्या है कि वयस्क महिलाओं का कितना लाख दे दिया, 4.2 लाख। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 7 से कितना फैक्टर है, 0.6 का फैक्टर है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 0.6 का फैक्टर करेंगे तो 9×54 यानी 5,40,000, ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा मेरा कितना, 9.6 लाख। एनी डाउट? 9.6 लाख जो क्वेश्चन में आया वो क्या है पता है? पहले क्वेश्चन में कह दिया कि जो 9-7 का अनुपात है ना, वो किसका अनुपात है, 80% का है, यानी कि 100% का वैल्यू नहीं है। ये जो 9.6 आया वो कितना परसेंट का, 80% का है। तो हम 100% का वैल्यू निकालें, क्योंकि क्वेश्चन आप हजूर देखिए गौर से क्या कहा, बताइए कि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, एक नगर में इतना परसेंट की जनसंख्या, तो गांव की कुल जनसंख्या पूछ रहा है, तो निकाल दिया 80% का 80% बराबर 9.6, तो 100% बराबर क्या होता सर, देखिए 9.6/80 गुना में 100, तो ये कट गया 5 चांस में, कट गया 4 दान में, 4 से इसको उड़ा दीजिए, 2 दान या 4 दान में 2.6 गुना 5×20 और 5×2 10, 10×2 12, पॉइंट पर 1 0, पॉइंट के बाद 0 गो बोरा में, तो बचलो कितना 12, तो 12 लाख हो गया आपका करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमिक विषम संख्या औसत 106 है, आरोही क्रम में तीसरी संख्या क्या होगी? भैया कभी भी आपको क्रमिक में विषम संख्या बोले या सम संख्या बोले तो आप कुछ मत कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट संख्या मानिए x और दूसरा x+2 x+4 और कितना संख्या, 4 को मान रहा है तो 4 तक करेंगे, तो 4 संख्या हो गया। और सबका औसत कितना दे दिया, 106, सबका औसत कितना दे दिया, 106, और जितनी संख्या उतना औसत में गुना। आप सब चैप्टर पढ़ के आइएगा तब क्यूज टेस्ट में वीडियो बने रहिएगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आ जाइएगा। x x x जोड़ेंगे तो 4x हो गया, 2×4 = 12, ठीक बा 12, अब बराबर में कितना, इसको गुना कर दिए, 6×6 = 24, 4×2 = 40, 4×2 = 42, अब बराबर में 4x घटा दीजिए, 12 घटा देंगे 412, 412 को काट दीजिए सर जी, 10×3 = 103, तो मेरा कितना हो गया, संख्या 103 हो गया। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, तीसरी संख्या क्या हुआ, तो पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो x प्लस कितना 4, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 100 कितना हो गया, 7। ऑप्शन म में आई ना हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन देखना ठीक ना, देखिए ऑप्शन ए नंबर क्या कह रहा है, 84, ऑप्शन बी नंबर क्या कह रहा है, 48, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है बताइए, 36, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, 24। आप क्वेश्चन पढ़िए ऑप्शन के रिकॉर्डिंग, मूल संख्या दो अंकों की संख्या, अंकों को परस्पर बदलकर उपमर संख्या मूल संख्या से क्या है, 36 अधिक है। जब संख्या को बदलते हैं, जैसे जो मूल संख्या है ना उसको जब बदलते हैं, इकाई के जगह दहाई, दहाई के जगह इकाई करते हैं, तब वह संख्या 36 अधिक हो जाता है। अब मूल संख्या इकाई का अंक का स्थान दहाई के अंक से दुगुना है, तो पहला ऑप्शन में इकाई के स्थान से दहाई क्या बन रहा, देखिए कि आगे पढ़िए क्वेश्चन, मूल संख्या में इकाई का स्थान का अंक दहाई के अंक के स्थान से दुगुना है, तो इकाई का स्थान दहाई के अंक से दुगुना है। देखिए ये आपका इकाई हो गया, ये कौन सी हो गया, इकाई, और ये आपका हो गया दहाई, तो इकाई का स्थान दहाई से दुगुना है, नहीं ना है, तो पहला ऑप्शन गलत। देखिए दूसरा जो है इकाई अंक यानी 8×4 से दुगुना है, तो ये अभी तक सही चल रहा, ये भी देखिए दुगुना, ये भी दुगुना, तो ऑप्शन ए तो क्लियर हो गए, वो बोरा में गेंगे ऑप्शन, आगे पढ़िए दुगना, और जब संख्या को पलट दिया जाए तो 36 अधिक हो जाता है। देखिए 4×8 है, जिसको पलट देंगे तो कितना होगा, 84, और घटा देंगे 48, देखते हैं 36 अधिक है कि ना, 14×8 गेंगे 6, और 7×4 गया तो 3, ये तो 36 अधिक हो गया रे भाई, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसको भी देखिए नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो गया, B4 बिहार भरत, आप भरत सर कोचिंग पे आप वीडियो देख रहे हैं ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है
कि श्री हरि ने 12% के दर से साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपए का राशि निवेश किया, 7 वर्ष बाद इसने राशि कितनी हो जाएगी? कुछ दिया है सर जी, मूलधन दे दिया आपको कितना 22,400, दर दे दिया 12%, आपसे पूछ रहा कि 7 वर्ष बाद यानी 7 ईयर्स आफ्टर बाद कितना पैसा होगा, क्या आप करोड़पति बनिएगा? देखिए बनते हैं कि नहीं। ये 22,400 है, अब 22,400 को हम 12.84% निकाल देंगे, कितना परसेंट सर? 84%, परसेंटेज गया बोरा में। ये हो गया आपका मूलधन, इसको गुना कीजिए सर, 224 गुना 84, गुना करना पड़ेगा सर जी, क्या कुछ भी हो जाए गुना करना होगा, 6 6 16 4 2 8 9 8 4 2 8 8 के 38 8 4 32 के 2 आठ में 3 8 19 19 19 19 17 जोड़ दें 6 6 2 9 11 9 8 17 18 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
में चार हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ मैच कर रहा, 41 216। अरे भाई ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा, 116 कहीं गलती नहीं ना किए हैं, 8 4 12 गुना देख लीजिए, 416 4 2 8 1 9 4 2 8 और 8 4 32 3 8 3 16 16 3 19 9 8 9 16 16 17 6 9 11 9 8 17 9 8 17 18 7 1 8। ठीक है अब जोड़ देखिए इधर, 6 1 8 4 12 8 2 10 10 1 11 के 3 1 4 4। देखिए ऑप्शन चला जाएगा आपका ना, नन ऑफ दीज डी ऑप्शन हो गया। देखिए जोड़ने घटाने में अगर दिक्कत होगा तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप जोड़ लीजिएगा अच्छा से। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का आधा, तो लीजिए एक संख्या आधा, आधा का अंक तो आधा कर दिए हम, एक संख्या का आधा और दूसरी संख्या के 45% के बराबर है। भैया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या वाई है, अब पहली संख्या में आधा बोगा तो 1/2 हो गया, इसमें आधा बोगा तो इसको क्या करते हैं, इससे लिखते हैं 1/2। आप लोगों को फरेसेम सिखाना पड़ेगा, 1/2 पहली संख्या आधा, दूसरी संख्या का 65% निकाल देते हैं, कोई दिक्कत एनी डाउट, दोनों बराबर है तो बराबर है, तो देखिए इससे काट दीजिए 50 दान में, आई कट गया 13 5 65 5 दही 50 तो ये हो गया, ई वाई जो है ना इसके नीचे लगा दीजिए तो एक्स वाई हो गया, और उधर 13 10 का अनुपात हो गया। क्या पूछा है सर क्वेश्चन में, अच्छा अनुपात होगा पूछा है, तो 13 और 10 का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन पे आप बने रहिए, वीडियो आपको बहुत बेनिफिट करेगी, आपको एग्जाम में ऐसा देखिए एक टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये नहीं कि परसेंटेज का रहा परसेंटेज, इसमें मिक्स क्वेश्चन है, क्यूज टेस्ट है, सबसे जबरदस्त। आप वीडियो में हमेशा बने रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक ना, जय हिंद जय भारत।